नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राम एंड एक बैंकिंग यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल माध्यम से लगातार आपके लिए बैंकिंग अपडेट, CSP अपडेट, टिप्स एंड ट्रिक, अदर हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन लेके आता रहता हूँ, जो आपके लिए समय समय पर महत्वपूर्ण साबित। तो दोस्तों, आज हमारे CSP पोर्टल पर जो कुछ अपडेट हुआ था, और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम में एक एक्स्ट्रा सर्विस लिंक ऐड कर दी गई है। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रखे हो कि जैसा कि हम कोई भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम करते हैं, अपना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा हो गया, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो गया, तो ये जो भी स्कीम हम करते हैं तो उसमें हम अकाउंट नंबर या CIF नंबर डाल के कस्टमर का सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद उसका आगे फॉर्म को फिल करना पड़ता है। लेकिन अब इसमें CSP की सहूलियत को देखते हुए बैंक ने और कस्टमर की सहूलियत को देखते हुए बैंक ने क्या किया है, उसमें एक जो सर्विस ऐड कर दी आधार कार्ड की। मतलब कि अब वहाँ पे आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे, अकाउंट का भी, आधार कार्ड का भी और CIF का भी। तो ये तो बात मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन बहुत से CSP भाई बता रहे थे कि अभी तक मेरे यहाँ शो नहीं किया है और कैसे होगा। तो मैं बता दूँ, आज मेरे CSP पोर्टल पर मैंने आधार कार्ड के द्वारा एक SSS किया, सोशल सिक्योरिटी स्कीम को, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो थी, मैंने वो आधार कार्ड के द्वारा ही किया हुआ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रखते हो, इसमें आधार नंबर मांग रहा था, मैंने कस्टमर का आधार नंबर डाला, ठीक है, और नंबर डालने के बाद प्रोसीड किया। सेम वही प्रोसीजर है जिस तरीके से हम अकाउंट नंबर या CIF नंबर डाल के, अकाउंट नंबर डाल के हम कस्टमर का सोशल सिक्योरिटी स्कीम करते हैं। अगर हम अकाउंट नंबर डाल के कस्टमर का सोशल सिक्योरिटी स्कीम करते हैं तो वो CIF वगैरह सेलेक्ट करने को मांगता है। उसके बाद जैसा कि नॉर्मली हम फॉर्म को फिल करते हैं और उसका सबमिट करते हैं, फिंगरप्रिंट कैप्चर करते हैं, उसी तरीके से ही ये भी नॉर्मल तरीके से ही होना है, जिस तरीके से हम अकाउंट और CIF को डालते हैं उसी तरीके से हम आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद सारा कुछ सेम वही है, कोई भी उसमें बदलाव नहीं किया गया। फ़ायदा एक है आधार कार्ड से, अब वो फ़ायदा दोनों के लिए है, ग्राहक के लिए, और सबसे बड़ा फ़ायदा है CSP के लिए। क्या फ़ायदा है? पहली बात, अगर कोई भी कस्टमर अकाउंट नंबर लेके नहीं आ रहा, ज़्यादातर आधार कार्ड से पैसा निकालने आता है, तो आप आधार कार्ड से ही उसका आप सोशल सिक्योरिटी स्कीम कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात होती है, बुज़ुर्गों में क्या होता है, जिसकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, किसी के फिंगरप्रिंट नहीं आते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, हम सोशल सिक्योरिटी स्कीम करते हैं और उसका CIF बेस्ड अकाउंट खुला होता है, जिससे हम CIF से वर्क करते हैं। और तो आपने देखा होगा वहाँ पर फिंगरप्रिंट कैप्चर करने के लिए मांगता है, और बहुत से ऐसे सोशल सिक्योरिटी स्कीम ऐसे कस्टमर आ जाते हैं जिनका फिंगरप्रिंट मैच ही नहीं होता है, जिसके कारण से हम उनका पैसा तो आधार कार्ड से निकाल देते हैं, लेकिन फिंगरप्रिंट कैप्चर ना होने की वजह से उनका सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं कर पाते हैं। अब उसमें ये फ़ायदा होने वाला है कि आप जब आधार नंबर सेलेक्ट करोगे तो वहाँ पर जो आधार कार्ड में उनकी फिंगर अपडेट है, उसी में से आप कोई भी फिंगर उसमें आप लगाओगे, वो फिंगर आसानी से उस कस्टमर के आ जाएंगे, जिससे कि उस कस्टमर का आप सोशल सिक्योरिटी स्कीम बड़ी ही आसानी तरीके से कर सकते हैं, भले ही उसके फिंगर आए या ना आए उसके CIFS अकाउंट पे, क्योंकि आधार कार्ड पे तो नॉर्मली आ जाते हैं और ये दिक्कत नहीं होती। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर।